दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की, रोहित और कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 30 दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार भारतीय लड़ाकों के सामने अब बांग्लादेश की घमंडी टीम चुनौती लेकर आकर खड़ी हो गई, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। जहां आज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और आज पहला दिन खेला गया। ये मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े के मैदान पर खेला जा रहा है। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू से 10 के ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहाँ जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुँचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू से अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल भी नज़र आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को सौरिफुल इस्लाम ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज़्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली ने रोहित ने जैसे तैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहाँ पहला सत्र समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया था। भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन रोहित डटे हुए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़ा शॉट खेलना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित शर्मा का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी और साथ में भारत को भी 100 रनों के पार पहुँचा दिया था, जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि बांग्लादेश के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल नज़र आ रहा था। रोहित और कोहली ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपनी 50-50वें ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 53वें ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद में 54वें ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 198 रनों तक पहुँच गया था, जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से कोहली के साथ रोहित की पारी की शुरुआत करने के लिए आ गए। रोहित और कोहली ने इस सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की, खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 59वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने कोहली के साथ में मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुँचा दिया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की ये साझेदारी के लिए काफ़ी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेज़ी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को शाकिब अल हसन ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 113 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खासतौर पर कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब कोहली हर ओवर में कम से कम 1 चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं पंत तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब कोहली और पंत के बीच भी अच्छा तालमेल नज़र आ रहा था। कोहली भी अब तेज़ी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, जिसके बाद पंत और कोहली के बीच भी 50 रनों की साझेदारी हो गई, जिसके बाद विराट कोहली ने
मेहंदी हसन मिराज के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। कोहली की बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगने के बाद में विराट कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और विराट कोहली को भी शाकिब ने आउट कर दिया और भारत को चौथा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 109 रनों की पारी खेली। बता दें कि कोहली ने इस पारी के दौरान दो लगाए, वहीं कोहली के बल्ले से 14 चौके भी निकले। कोहली के आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। अब गेंद भी स्पिन होने लगी थी, लेकिन अय्यर और ऋषभ पंत भी स्पिन के अच्छे बल्लेबाज थे। अय्यर ने तो आते ही कुछ अटैकिंग शॉट्स भी जड़े, वहीं पंत एक छोर से टिके हुए थे और वो अपना विकेट आसानी से गेंदबाजों को नहीं दे रहे थे। अब गेम आज के दिन की समाप्ति की ओर बढ़ चला था। बांग्लादेश के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी थकी हुई लग रही थी। जहां दिन के लास्ट के कुछ ओवर में अय्यर और पंत ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन 88वें ओवर में अय्यर को सौरीफुल इस्लाम ने बाउंसर गेंद पर आउट कर दिया और दिन के समाप्ति होने से पहले भारत को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि अय्यर ने भारत के लिए 29 रनों की पारी खेली और इसी के साथ में पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 358 रनों तक पहुंच गया। ऋषभ पंत 42 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की टीम बांग्लादेश को ये टेस्ट मुकाबला हरा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा, तो उनका साथ किंग कोहली और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने बारी बारी शतक ठोक कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले ही दिन घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक वापसी करते ही, विराट ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, इन तीनों के साथ साथ गिल और पंत की तूफानी बैटिंग पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर श्रीलंका की क्रिकेट टीम से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक तो ये दौरा बराबरी पर रहा है, T20 भारत के नाम रहा तो वनडे सीरीज में श्रीलंका ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद अब हिसाब बराबरी करने का बड़ी टेस्ट क्रिकेट में आ चुकी है, जिसकी तैयारियां खत्म हो चुकी हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे में हुई बेइज्जती का बदला पहले टेस्ट मैच में लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इस पहले टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमादासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में इसका नज़ारा हमें देखने को मिल ही गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने लाहिरू कुमारा की गेंद के पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधे स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंटो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज से छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके, अपना विकेट हसरंगा को देकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया, जायसवाल केवल टीम के लिए 23 रन बना सके। टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहां दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो दूसरी तरफ विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी गई। जी हां, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने कमिंटो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक दिया और मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे तो वहां श्रीलंका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था।
जहां तक कि उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। विराट का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आसिता फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था।